हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज दाइमा एंड यू आर वॉचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंग्रेजी विषय में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम नोटिस को लेते हैं। नोटिस एक प्रकार की सूचना होती है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक स्कूल में, इन एवरी स्कूल, एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए होता है। नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लिखा जाता है वो जनरली 5 या 7 प्रोग्राम जब होता है उसके 5 या 7 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कभी भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें प्रोग्राम की डिटेल होती है। क्योंकि आप एक सिंगल स्टूडेंट को जाकर के आप सूचना नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक स्कूल में 1500 की स्ट्रेंथ है और 1500 बच्चों को अगर आप सूचना देना चाहते हैं तो एक एक स्टूडेंट को जाकर के आप सूचना नहीं दे सकते। अगर आप एक एक स्टूडेंट को जाकर के इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस उनको देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए एक नोटिस बोर्ड होता है और सबको पता होता है कि कुछ नई चीज़ जो है, अगर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलेगी तो वो स्कूल नोटिस बोर्ड पर मिलेगी। तो आप सबकी नज़र जो है वो नोटिस बोर्ड पे होती है, आप उसको पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखा जाता है, यह एक प्रकार की सूचना होती है। किसी भी कार्यक्रम से संबंधित सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से यह लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट किस तरह से होता है। जनरली नोटिस बोर्ड पे स्कूल का नाम जो है वो छपा हुआ होता है। अगर छपा हुआ नहीं भी हो तो ऊपर ही ऊपर स्कूल का नाम होता है। जब हम आंसर बुक में जब हम लिखेंगे नोटिस तो इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आप डेट लिखेंगे। ये डेट कौन सी होगी, मान लो आज हम ये नोटिस लिख रहे हैं तो हम यहाँ आज की डेट लिख देंगे। प्रोग्राम अपना कब होगा, क्योंकि हम पूर्व सूचना दे रहे हैं तो प्रोग्राम निश्चित रूप से 5 दिन बाद होने वाला है। 5 दिन बाद की तारीख जो है वो प्रोग्राम की हम बाद में लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर, क्या है ये, नोटिस है, इनविटेशन है, क्या है, क्या बताना चाहते हो आप? तो ये नोटिस है तो हम यहाँ लिख देंगे नोटिस, और नोटिस की जो हेडिंग है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हेडिंग कोई भी हो सकती है। नीचे यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, एनुअल फंक्शन, कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह की जो सूचनाएँ, स्कूल इवेंट्स जो होते हैं वो आप यहाँ पर लिखते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को देना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि हेडिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है जनरली वो कैपिटल होता है। हाँ, ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं या फिर आर्टिकल्स होते हैं इनको बीच में हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे ऑन, ऑफ, ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे। लेकिन जो मेन जो रूट वर्ड होते हैं उनको हम, उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, यहाँ आई कैपिटल में है और डी भी कैपिटल में है। रिपब्लिक डे में आर कैपिटल लेटर में है और डी भी कैपिटल लेटर में है। तो ये कुछ नोटिस के हेडिंग्स थे नीचे दिए हुए। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, दैट की, आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है। अब क्या आयोजित करने जा रहा है वो यहाँ पर हेडिंग आप जो आपने ऊपर लिखी थी वो हेडिंग यहाँ नीचे लिख देंगे। अगर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करने जा रहा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम, ये हम लिख देंगे। यहाँ पर स्थान हम लिख देंगे, अगर स्कूल कैंपस में है तो इन आवर स्कूल कैंपस, ये हम लिख देंगे। अगर कहीं ग्राउंड में है, प्ले ग्राउंड में, तो यहाँ पर प्ले ग्राउंड लिख देंगे, इन द प्ले ग्राउंड, स्कूल प्ले ग्राउंड, इस तरह से लिख देंगे। अगर आप इसमें टाइम और डेट नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोग्राम कब हुआ या कब हो रहा है, कब होगा आपका प्रोग्राम, ये पता नहीं चलेगा अगर इसमें डे और डेट आप नहीं लिखेंगे। तो ऑन लगा करके आप डे लिख दीजिए, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इसी तरह से। फिर यहाँ पर डेट लिख देंगे, डेट जैसे कि आप कब प्रोग्राम मना रहे हो, ऊपर आपने एक डेट लिखी थी जो आज की डेट थी जिस दिन आप ये लिख रहे हैं,
नोटिस, इसके 4 या 5 दिन बाद की डेट यहाँ पर आप डाल सकते हो। दोज हु आर विलिंग टू अटेंड, यानी कि अब हम लिख रहे हैं कि वो, दोज मतलब वो, हु जो, वो जो आर विलिंग, इच्छुक हैं टू अटेंड, इसको अटेंड करने के, किसको अटेंड करने के, इस प्रोग्राम को जो आपने यहाँ पर लिखा है। तो ये हेडिंग 3 जगह आप लिख रहे हैं, फर्स्ट ऊपर ही ऊपर आप नोटिस के नीचे, सेकंड इसमें ऑर्गेनाइज आपका स्कूल जो है वो करने जा रहा है प्रोग्राम का, और थर्ड यहाँ पर इस अटेंड करने जा रहे हैं, अटेंड करने के इच्छुक जो हैं इस प्रोग्राम को। ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें कल्चरल प्रोग्राम या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम जिसमें आप भाग लेना चाहते हो, तो उनमें पार्टिसिपेट वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन, अब यहाँ पर आप लिख देंगे कल्चरल प्रोग्राम। अब अगर आप कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं लिखते हैं तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेट इन सिंगिंग, पार्टिसिपेट इन डांसिंग, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं गिव, वो दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, देयर नेम्स, अपने नाम, किसको, टू द अंडर साइंड, अधो हस्ताक्षरकर्ता को। यहाँ देखिए टू वर्ड्स से एक सिंगल वर्ड बना है, अंडर नीचे, साइंड मतलब दस्तखत हैं, जिसके जिसके नीचे दस्तखत हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता, वन वर्ड हम इसके लिए बोलते हैं। लेटेस्ट बाय, अब एक और डेट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना प्रोग्राम जो है वो करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए कि स्वतंत्रता दिवस आपने वहाँ पर लिखा प्रोग्राम का नाम, तो आपने देखा होगा कि कल्चरल प्रोग्राम के लिए पूर्व तैयारी के लिए आप 5 दिन 7 दिन पहले ही नाम मांग लेते हैं, वो नाम अवेलेबल करवा दें अधो हस्ताक्षरकर्ता को, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर कमलेश कुमार सैनी प्रिंसिपल, तो इनको आप दे सकते हो। आप यहाँ पर चाहो तो कल्चरल सेक्रेटरी ये भी लिख सकते हो, सेक्रेटरी भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल, ज़रूरी नहीं है सारे आदेश प्रिंसिपल के हों, कभी कभी स्पोर्ट्स टीचर के भी हो जाते हैं, सेक्रेटरी जो होता है स्कूल का उसके भी आदेश हो जाते हैं, तो जिसका आदेश हो, जिसके नाम से आदेश हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, वो हेडिंग्स आप ऊपर काम में ले सकते हो, यानी कि ऊपर वाला जो फॉर्मेट है इसको आप इन इन चीज़ों में, इन टॉपिक्स में काम में ले सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चावंडिया, डेट यहाँ पर लगी हुई है कार्यक्रम की, जो डेट आज हम इसको लिख रहे हैं तो जून 18, 2020, और कार्यक्रम होगा जून 19, 2020 का, नोटिस लिखा हुआ इंटरनेशनल योगा डे पर। तो इंटरनेशनल योगा डे पर आप चाहे तो अपनी तरफ से भी कुछ लाइंस जोड़ सकते हैं, शुरुआत वैसे ही हमने की है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अब यहाँ पर वो प्रोग्राम जो है वो आ गया एन इंटरनेशनल योगा डे इन आवर स्कूल कैंपस, ये प्लेस हो गया ऑन मंडे, ये यहाँ पर डे हो गया, और जून 19, 2020 ये यहाँ पर डेट आ गई। ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर टू अटेंड द इंटरनेशनल योगा डे, द अंडर साइंड विल लीड इट, और अधो हस्ताक्षरकर्ता जो हैं वो इसकी अगुवाई करेंगे, इसको लीड करेंगे, उसका नाम यहाँ पर लिख दिया है जसवीर सिंह, स्पोर्ट्स टीचर। इस प्रकार आपको जो ये हेडिंग्स दी हुई हैं, टाइटल दिए हुए, इन टाइटल्स का प्रयोग करके इस फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने खुद के सेंटेंसेस तो भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको अच्छा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।